हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेज इन आर्ट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप व्हाट्सएप से डाउनलोड करके इमेज फोटोशॉप में कैसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप व्हाट्सएप से कोई इमेज डाउनलोड करके फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक एरर आपको शो करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे व्हाट्सएप की इमेजेस फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ अपना व्हाट्सअप ओपन किया हुआ है और मुझे यह इमेज अपनी फोटोशॉप में ओपन करनी है। तो मैं इसे अभी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरी इमेज डाउनलोड हो गई है। मैं डाउनलोड में जाऊँगा। ये देखिए, ये मेरी इमेज है। अब मैं इसे ड्रैग करके ऐसे फोटोशॉप में ओपन करता हूँ तो मुझे इस तरह का एरर शो करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जहाँ हमारी इमेज है हमें वहाँ आएंगे, हम अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर एडिट पर जाना है। आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो पेंट में ओपन होगी। आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है और उसे सेव करना है। आप इसे कंट्रोल एस करके भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शो कर रहा है सेव कंट्रोल प्लस एस। मैं इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ और बस आप इसे क्लोज़ कर दें। मैं यहाँ से इसे करता हूँ क्लोज़। यहाँ से एक बार रिफ्रेश करें। अब मैं इसको फोटोशॉप में लेकर जाऊँगा। ये मैं ड्रैग करके इसे फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। ये देखिए, अभी मेरी जो व्हाट्सएप से डाउनलोड की हुई इमेज है वो फोटोशॉप में ओपन हो गई है। अब मैं इस पर वर्क कर सकता हूँ, इसे यूज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे इसी तरह से यूज कर सकते हैं, अपनी किसी भी व्हाट्सएप की इमेज को डाउनलोड करके और ऐसे पेंट में उसको सेव करके ओनली फोटोशॉप में उसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।